फटाफट बनाएं आप लंच में ये सब्जी, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट्स के संग। तो स्टार्ट करें श्वेता। So, मैंने कढ़ाई रखा इधर, ऑन किया गैस। मैं 1 स्पून जितना ऑयल डालूंगी, कोई भी वेजिटेबल ऑयल। जैसे अपना गैस गरम, अपना ऑयल गरम हो जाए। सो इम्यूनिटी सीरीज में हम रेसिपी नंबर 6 लेके आए हैं। इस सब्जी में हम इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। इसमें मैं 1/2 स्पून जीरा डालूंगी। जैसे यहाँ जीरा तड़क जाए, द वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इज लहसुन, गार्लिक। उसको मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया है। ओके, बिकॉज गार्लिक इज एक्सेलेंट सोर्स, इट इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। और उसमें मैं थोड़ी सी ग्रीन चिली बारीक चौके, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। अगर आपको ज्यादा तीखा नहीं चाहिए तो आप कम भी डाल सकते हो। जैसे अपना गार्लिक हो जाएगा, एंड ये कौन सी फ्लेम पे हम कर रहे हैं? सब फुल फ्लेम पे अभी। ओके, मैं इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ हिंग डालूंगी। ये देखो गार्लिक होने गया, तो अभी मैं गैस थोड़ा सा स्लो कर दूंगी। तो ये मैंने एक पूरा बड़ा बंच पालक लिया है, उसको अच्छे से कट करके वॉश करके मैंने से लंबे लंबे काट लिए हैं। वो डाल देंगे पालक। तो देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं लसनिया पालक आपके लिए। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद द लवली मॉम श्वेता शेठ आपको दिखाने के लिए। देखिए इसमें लसन और पालक यूज हुआ है, दोनों के दोनों सोर्स माने जाते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन ए होता है, तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। आजकल बात चल रही है कि विटामिन सी रिच फूड्स हमें खाने चाहिए। गार्लिक ऑल्सो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अभी इस पे मैं सॉल्ट डालूंगी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, और अभी हम गैस उसको फुल फ्लेम पे कर देंगे। ओके, अच्छे से सब मिक्स कर देंगे। और तो देखिए पॉपुलर डिमांड पे हम लेके आए हैं ऐसी रेसिपीज जो कि विटामिन सी रिच हो, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हो। पालक एंड गार्लिक उसका बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है एज पर रिसर्च, एज पर वेरियस पीपल। सो हम आज लहसुन या पालक कर रहे हैं, और उसको फुल फ्लेम पे जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स में उसको ढक दूंगी ताकि उसका पूरा पानी सोक हो जाए। और ये सब्जी ना आपको एकदम इंस्टेंट खानी है। हाँ, तभी उसकी मजा हो, ऐसे ऐसे ग्रीन रहेगी सब्जी। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं जब लंच में हमें खाना हो तो उसी वक्त बनाए। यस, फ्रेश फ्रेश ही खानी है सब्जी। हाँ, सो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है, बहुत फटाफट भी बनती है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी अभी लिटरली फाइन मिनट आई थिंक सब्जी हो जाएगी, ना मिनट हो जाएगी। तो देखिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और मॉम बहुत मेहनत के संग आपको ये रेसिपीज दिखाती हैं, तो अप्रिशिएट करिए। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि ये अनएडिटेड लाइव वीडियोस हैं जहाँ पे कोई रीटेक नहीं है, कोई रीशूट नहीं है। और बस मेरा जस्ट पिंच ऑफ गरम मसाला, दैट्स इट। ये एकदम कम मसाले वाली सब्जी है लेकिन इट इज वेरी हेल्दी एंड वेरी न्यूट्रिशियस। हाँ, लहसुन से वो फ्लेवर आता है, राइट? या एकदम बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और अभी तो आपको लहसुन इंक्लूड भी करनी चाहिए अपने डाइट में, बहुत अच्छा है इस एनवायरमेंट में। तो ये देखिए बस अपनी सब्जी हो गई, क्योंकि उसको ज्यादा हमको ओवर कुक नहीं करना है पालक को, एकदम फ्रेश खानी है, अदरवाइज इसके विटामिन सब निकल जाएंगे, निकल जाते हैं। सो देखिए सब्जी रेडी हो चुकी है। मैं भी इसको गैस बंद कर दूंगी। तो देखिए फटाफट बन चुकी है हमारी लहसुन या पालक श्वेता की ट्रेडमार्क स्टाइल में। क्विक एंड फास्ट रेसिपी फॉर यू। आप इसको परांठों के संग, चपाती के संग, चावल के संग भी बहुत खा सकते हैं। सो देखिए रेडी हो चुका है हमारी ये रेसिपी लहसुन या पालक। बहुत इजी तरीके से बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो आप बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। हम लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। बाय बाय एवरीवन।